पर मां सीरियसली क्या खीर बनाई आपने, सुपर डुपर। आज कितने दिनों के बाद आपके हाथ की खीर खाई ना, बहुत अच्छा लगा। ए बाय द वे मम्मी जी, आज आपने खीर किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी ने खीर बनाई है, आज स्पेशल ओकेजन है मम्मी जी। फैमिली साथ हो और हैप्पी हो तो ओकेजन तो अपने आप बन जाता है, और अब ये ओकेजन कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। रियली मिस्टर बलराज खुराना, अब क्या हो गया, अब क्यों आए आप लोग? आपकी वाइफ के लिए। कीर्ति जैन के मर्डर के इल्जाम में हम उन्हें अरेस्ट करने आए हैं। और ये रहा अरेस्ट वारंट। मैंने कहा था ना, तुम लोगों ने मारा मेरी बेटी को। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप मां को ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? कोई सबूत है आपके पास? डीएनए रिपोर्ट। आपकी माता जी का सैंपल कीर्ति जैन के नाखूनों में मिली स्किन से मैच हो गया है। डीएनए सैंपल मैच ही नहीं कर सकता क्योंकि तुमने या पता नहीं किसने कोशिश तो बहुत की कि डीएनए सैंपल खराब कर दी, रिपोर्ट्स गायब भी कर दी। कोई रिपोर्ट्स लेके भाग गया, लेकिन वहां सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। और तुम तो वही हो ना, और तुम्हारे साथ कौन था? ये तुम्हारी पत्नी जिसने तुम्हें बचाया था। इस बार दोनों बहुत बुरी तरह फंस गए, लेकिन तकदीर अच्छी थी जो बच गए, क्योंकि पीपी किट पहना हुआ था, वरना अगर शक्ल दिख जाती ना तो तुम्हारी मां से पहले तुम दोनों को अरेस्ट करवाता मैं। और शायद आप दोनों या फिर वो दोनों जो कोई भी थे, उन्हें ये पता नहीं था कि लैब में डीएनए रिपोर्ट्स का डेटा सेव्ड रहता है। और उसी सेव्ड बैकअप डेटा की मदद से हमने इनकी रिपोर्ट्स दोबारा हासिल कर ली, और उस रिपोर्ट के मुताबिक असली गुनहगार मिसेस शारदा खुराना ही है। झूठी आपकी रिपोर्ट। अरे शारदा ऐसा क्यों करेगी? शारदा किसी का खून नहीं कर सकती, किसी को नहीं मार सकती वो। ये अपनी बीवी से पूछिए, पूछिए क्या पुरानी दुश्मनी थी जिसके चलते उन्होंने मेरी बेटी को मारा। अरे पर शारदा की पुरानी दुश्मनी क्यों होगी? वो तो जानती भी नहीं थी कीर्ति को। जानती थी, आज से नहीं, कीर्ति बच्ची थी तब से जानती थी शारदा उसको। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह आदमी अपनी दुश्मनी निकाल रहा है हमारे साथ।
शारदा मुझे भी जानती है। मेरी पत्नी की बहुत अच्छी सहेली थी शारदा। जब मेरी पत्नी की डेथ हुई उस वक्त भी शारदा वहां थी, उससे मिलने आई थी। क्यों शारदा, बताओ अपने पति को, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? याद भी क्या बोल रहा है शारदा, इससे बोलो कि ये जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ है, बोलो इससे। सच है। मैं आपको बताने ही वाली थी लेकिन वो तब... बस एक शब्द और मत बोलना, जब तक हमारे वकील ना आ जाए हम जो है सारी बातें उनके सामने ही होंगी और हमारे आपस की जो बात है वो हम बाद में करेंगे, इन लोगों के सामने नहीं। मैं आपको बता दूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शारदा कीर्ति को जानती थी कि नहीं जानती थी। आई रियली डोंट केयर। मुझे बस इतना पता है कि शारदा ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए आपकी जो भी रिपोर्ट है बिल्कुल फेक है। हमारे पास एक और सबूत है। और वो फेक नहीं है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि असली कातिल मिसेस शारदा खुराना नहीं है। ऐसा क्या सबूत है? उस होटल की सीसीटीवी फुटेज जो पहले हमें अधूरी मिली थी, शायद किसी ने डिलीट करने की कोशिश की होगी, लेकिन अब पूरी है। उस फुटेज के हिसाब से सबसे आखिरी इंसान जो कीर्ति जैन से मिलने के लिए छत पर गया था वो मिसेस शारदा खुराना ही थी। मम्मी जी, और सबसे लास्ट में जो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी मिसेज शारदा पुराना ही है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से कीर्ति जैन की डेथ का समय सुबह 4 बजे का है, और ये मैडम साहिबा सुबह 4:05 पर नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद ना कोई छत पर गया और ना छत से कोई नीचे आया। इन सारी बातों से साबित होता है मिसेस शारदा ने ही कीर्ति जैन का मर्डर किया है। हमें इस बात का पता ही नहीं चलता अगर किसी ने हमारी हेल्प ना की होती और वो फुटेज हमें ना भेजी होती। भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, यह और बात है। लेकिन मिसेस शारदा खुराना, आपको कीर्ति जैन के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। पर ऐसा कौन हो सकता है जिसने वो सीसीटीवी फुटेज भेजी वो बिना नाम बताए? वो मैंने भेजी है बेबी, पर ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। तो अब मैं तो विलन नहीं रहूंगी तुम सबके सामने, क्योंकि मुझसे बड़ी विलन जो मिल गई है। अब मैं देखती हूँ यू ओवर स्मार्ट प्रीशा, तुम मम्मी जी को जेल जाने से कैसे बचाती हो।